हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए क्रोएशिया कैप लेकर आई हूँ। ये कैप देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। कैप देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, बनाने में उतना ही आसान है। ये एडल्ट साइज कैप है। ये हमारे कैप का बॉर्डर है। ये कैप स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाया गया है। जिनसे कम बुनना आता है वो भी इजीली इस कैप को बुन सकते हैं। इस कैप को बनाने में 58 ग्राम वूल यूज़ हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सिलाई कढ़ाई पेंटिंग बुनाई और क्रोशे की वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर कोई डिज़ाइन है जो आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ोटो फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कैप बनाने के लिए हमने 12 नंबर का क्रोशिया लिया है और ये हमारी क्रोशिया वाली ही वूल है। फिंगर पर वूल को रखेंगे, इस तरह राउंड करेंगे, राउंड में से वूल खींचेंगे, तीन चेन बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिया पे धागा आ गया है, डबल क्रोशिया बनाएंगे, हमने तीन चेन और एक डबल क्रोशिया बनाया है। क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिया पे धागा आ गया है, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्रोशिया पे तीन धागे हैं, क्रोशिया घुमाएंगे, दो ऊन में निकालेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, फिर से दो ऊन में निकालेंगे। ये हमारा एक और डबल क्रोशिया बन गया है। हमने तीन चेन के बाद 20 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम धागे को खींचेंगे इस तरह से। ये जो हमारी तीसरी चेन है, इसमें से हम स्लिप क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से राउंड हमारा बन गया है। अब हम तीन चेन बनाएंगे फिर से, 1, 2, 3। तीन चेन के बाद एक डबल क्रोशिया है, बीच में से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये डबल क्रोशिया है, इस तरह से फ्रंट से क्रोशिया डालेंगे और धागा खींचेंगे, डबल क्रोशिया कंप्लीट बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है और इसके बाद जो ये स्पेस है इसमें से ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब डबल क्रोशिया में से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया देखिए, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। हमने एक डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है। लास्ट में ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है। ये हमारी तीन चेन है और ये डबल क्रोशिया है। देखिए हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्रोशिया घुमाया, क्रोशिया पे धागा आ गया है और ये हमारा एक डबल क्रोशिया है। इसमें से हम फ्रंट पोस्ट की तरह धागा लेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, दो धागों में निकालेंगे। अब हमारे क्रोशिया पे दो धागे हैं। तीसरी जो हमारी चेन है उसमें से हम देखिए इस तरह से ऊन खींचेंगे और डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। फिर से तीन चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है। यहाँ से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
टू, ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया में से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से यहाँ से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के बाद, वन टू, ये डबल क्रोशिया है और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया में से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे, दो डबल क्रोशिया, और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया में से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है और ये तीन चेन है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक डबल क्रोशिया है और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया है, तरह से है ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के बाद। तो पहले हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिया पे धागा आ गया है। देखिए दो डबल क्रोशिया है, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है और ये तीन चेन है। तो इस तरह फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, धागा खींचेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, दो ऊन में निकालेंगे। अब हमारे क्रोशिया पे दो ऊन है, तीसरी चेन में से हम धागा लेंगे इस तरह से और दोनों ही ऊन में निकालेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए डिज़ाइन का ये राउंड वन था हमारा, अब हम राउंड टू बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है। इसके बाद हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया में से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के बाद हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, ये दो डबल क्रोशिया हैं और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, फ्रंट पोस्ट में से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, दो डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना हुआ है, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, देखिए ये एक डबल क्रोशिया और चैन है, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, क्रोशिया घुमाएंगे, दो ऊन में निकालेंगे। अब चैन में से हम ऊन लेंगे और तीनों ही ऊन में निकालेंगे इस तरह से। अब हम तीन चैन बनाएंगे, ये हमारा राउंड थर्ड है, वन टू थ्री, सेम राउंड वन और राउंड टू की तरह ही हमें थर्ड राउंड बनाना है। दो डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया, वन टू, दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया में से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम तीसरा राउंड कंप्लीट करेंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने दो डबल क्रोशिया बनाए हैं, अब हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए डबल क्रोशिया और चैन में से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, दो धागों में निकालेंगे और तीसरी चेन में से हम धागा खींचेंगे और दो धागों में निकालेंगे। ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ
ये तीन राउंड हमें सेम बनाने हैं, वो किस तरह से देखिए, तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3। देखिए यहाँ पर ये दो डबल क्रोशिया है, ये हमारा फोर्थ राउंड है, हमें फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स तीनों ही राउंड सेम बनाने हैं। यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड 3। देखिए तीन डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट में से देखिए डिज़ाइन रिपीट हो गया है। फ्रंट पोस्ट के बाद हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड 3। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया में से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे, तीन डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये तीन राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सेवन्थ राउंड बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3। देखिए ये तीन डबल क्रोशिया हैं, इससे पहले हम फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद। देखिए अब ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए हैं, फ्रंट पोस्ट के बाद हम यहाँ पर फिर से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फोर डबल क्रोशिया। डिज़ाइन हमारा रिपीट हो गया है। ये हमारा सेवेंथ राउंड है, 2 3 एंड 4। इसके बाद हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फोर डबल क्रोशिया के, चार डबल क्रोशिया के हमने दो राउंड बनाए हैं, 7 और 8। अब ये हमारा 9th राउंड है, तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये तीन चेन बनाई है हमने, लेकिन अब हम एक और चेन बनाएंगे। अब ये हमारी चार चेन हो गई हैं और यहाँ पर फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन, टू, थ्री फोर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे, देखिए डिज़ाइन रिपीट हो गया है, एक चेन बनाई हमने और अब हम फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक चेन, फोर डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। हमने एक चेन और फोर डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, दो उनमें निकालेंगे और देखिए ये हमारी फोर चेन है ना, एक चेन हम ये ऊपर वाली जो हमारी चेन है फोर वाली, इसमें से नहीं लेंगे वूल, थर्ड वाली में से लेंगे, तीसरी में से, और दोनों ही ऊन में निकालेंगे और ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अभी हमारा 10th राउंड है, तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ से हमारा डिज़ाइन राउंड शुरू है, एक चेन बनाएंगे और
फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन में से, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, डिज़ाइन रिपीट हो गया है, एक चेन बनाएंगे और फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन को रिपीट करते जाएंगे, राउंड 11 और 10 हम सेम बनाएंगे, एक चेन फाइव डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, फाइव डबल क्रोशिया के हमने दो राउंड बनाए हैं, 10 और 11। अब ये हमारा 12 राउंड है, तीन चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, दो चेन बनाएंगे, वन टू, कंप्लीट ये हमारी फाइव चेन बन गई हैं। यहाँ पर हम फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए हमारा डिज़ाइन रिपीट हो गया है, दो चेन बनाएंगे, वन टू और फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन में से, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव डबल क्रोशिया के बाद हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरह हम 12th राउंड को कंप्लीट करेंगे, दो चेन फाइव डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स, हमने दो चेन फाइव डबल क्रोशिया बनाए हैं, राउंड कंप्लीट करेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, दो धागों में निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फाइव चेन बनाई थी, हम तीन चेन काउंट करेंगे, थ्री चेन यहाँ से, वन टू थ्री, और तीसरी में से ही ऊन खींचेंगे और डबल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे। अब हम तीन चेन बनाएंगे, ये हमारा 13 राउंड है, वन टू थ्री, डिज़ाइन शुरू है, यहाँ से दो चेन बनाएंगे, वन टू, और अब हम सिक्स डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए डिज़ाइन रिपीट हो गया है, दो चेन बनाएंगे, वन टू, सिक्स डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम 13 और 14 राउंड इसी तरह बनाएंगे, दो चेन छह डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स डबल क्रोशिया के हमने तीन राउंड बनाए हैं, 13, 14 एंड 15। अब हम कैप का बॉर्डर बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे, वन टू एंड थ्री,
देखिए ये दो चेन है, दो चेन में से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन एंड टू। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक डबल क्रोशिया है, इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट पोस्ट है, दो चेन है, दो चेन में से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। पैटर्न रिपीट हो गया है हमारा। देखिए एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम चेन में से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, चेन में से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये हमारे छह डबल क्रोशिया हैं, एक डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हम कंप्लीट फाइव डबल क्रोशिया बना रहे हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, राउंड कंप्लीट करेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिया पे धागा आ गया है। ये हमारी थ्री चैन है, यहाँ से हम धागा लेंगे, इस तरह से क्रोशिया घुमाएंगे, दो धागों में निकालेंगे। देखिए चैन काउंट करेंगे, वन टू एंड थ्री। तीसरी चैन में से धागा लेंगे और दोनों ही धागों में निकालेंगे। ये फ्रंट पोस्ट बन गया है। अब हम तीन चेन बनाएंगे, वन टू एंड थ्री। ये हमारा डबल क्रोशिया है, बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैक पोस्ट इस तरह बनाएंगे और बैक से ही हम धागा लेंगे, फ्रंट से नहीं ले रहे हैं, बैक से ले रहे हैं। इस तरह से क्रोशिया घुमाएंगे, दो धागों में निकालेंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, फिर दो धागों में निकालेंगे। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया के बाद अब हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया है, फ्रंट से इस तरह लेंगे धागा और डबल क्रोशिया बनाएंगे। रिपीट करेंगे बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट। देखिए ये फ्रंट पोस्ट है और ये बैक पोस्ट और ये हमारी तीन चैन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम धागा लेंगे फ्रंट पोस्ट की तरह, क्रोशिया घुमाएंगे, दो धागों में निकालेंगे, चेन काउंट करेंगे, वन टू एंड थ्री। थर्ड चेन में से धागा लेंगे और दोनों ही धागों में निकालेंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम तीन चेन बनाएंगे, वन टू एंड थ्री। ये बैक पोस्ट है तो बैक पोस्ट पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट है फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट बनाएंगे, ये फ्रंट पोस्ट है फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए आगे के राउंड हम इसी तरह बनाएंगे, बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट। बॉर्डर की लेंथ 1.5 inches है, 1.5 inch, और राउंड हमने 5 राउंड बनाए हैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के। देखिए आप इस तरह काउंट करें, 1, 2, 3, 4 and 5। धागे को निकालेंगे। आई होप आपको हमारा कैप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।